नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार सात का सवाल है इट सेज वॉट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ फाइव थाउजेंड व्हेन फ्रॉम वेन पॉइंट फाइव मीटर अवे इट लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव मटेलिक सरफेस वेन द सोर्स इज मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर Uh, पहले कितना था पाँच पॉइंट फाइव मीटर ऑल राइट द नंबर ऑफ फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड विल बी रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ इसका आंसर होना चाहिए फोर मीटर बाय अ फैक्टर ऑफ फोर सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ सो सिनेरियो ये है कि यह आपकी सरफेस है यहाँ आपका बल्ब रखा हुआ है उससे आपके फोटोन्स आ रहे हैं ये बल्ब रखा है आपका डी डिस्टेंस पे ना इसी बल्ब को जब आपने मूव कर दिया यहाँ पे लेट uh, से टू डी डिस्टेंस पे तो आपने पहले जो डिस्टेंस था उसे टू डी डिस्टेंस कर दिया तो पहले जो इंटेंसिटी आ रही थी इंटेंसिटी आपकी प्रोपोर्शनल होती है वन बाई डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल uh, होगी यहाँ पे इसको हम पॉइंट सोर्स मानेंगे तो ये आपके इसके प्रोपोर्शनल होगी तो यहाँ पे I1 ऐसे आएगा और I2 जो आएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू डी स्क्वायर से uh, इसका मतलब ये है कि I2 टू डिवाइडेड बाई आई अगर आप करेंगे तो वो वन बाय फोर का रेशो आ जाएगा यानी कि आपकी इंटेंसिटी वन फोर्थ हो जाएगी आ, क्योंकि आपका सोर्स डबल डिस्टेंस पे पहुंच गया अब इंटेंसिटी क्योंकि वन फोर्थ हो गई तो नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड विल बी रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ फोर तो इसका राइट right आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी बाय अ फैक्टर ऑफ फोर नाउ एक चीज़ ध्यान रखना दोनों ही केसेस में आपकी कानेटिक एनर्जी और फोटॉन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होंगे उसमें फ़र्क नहीं आएगा कानेटिक एनर्जी विल बी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो भी सेम ठीक है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना